हे गाइस, थैंक्स फॉर कमिंग टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हो, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जो कि अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और इसे ग्रो करने में आप सभी का बहुत बड़ा हाथ है। आप हमेशा मुझे इतना प्रोत्साहित करते हो वीडियोस बनाने के लिए, कमेंट्स करते हो बहुत ज़्यादा, तो मैं भी अपने वीडियोस को काफ़ी टाइम तक रेगुलर रख पाती हूँ, और कभी कभी नहीं रख पाती हूँ किसी रीज़न की वजह से, क्योंकि सिर्फ मेरा यूट्यूब का ही काम नहीं, इसके अलावा मैं दूसरा काम भी करती हूँ, तो एक ही मेरा अर्निंग सोर्स नहीं है। तो क्या हुआ था कि आज से 2 साल पहले मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाना स्टार्ट किया था। उस दौरान मेरा एक वीडियो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था, वो था एंटी डेंड्रफ ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि हमारे देश में बहुत से लोगों को डेंड्रफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। विंटर्स में तो खासकर बहुत ज़्यादा डेंड्रफ आने लगता है बालों में, तो क्या होता है कि उसके लिए आप बहुत सारे घरेलू उपचार भी करते हो, कुछ लोग पार्लर में जाके भी अपने डेंड्रफ को क्योर करते हैं, और कुछ लोग डेंड्रफ से रिलेटेड शैम्पू लगाते हैं, जैसे क्लीन हेड एंड शोल्डर्स, और भी कई सारे ब्रांड के शैम्पू आते हैं, कुछ मेडिकेटेड शैम्पू भी आते हैं, वो सभी यूज़ करते हैं। तो जब मैंने लास्ट टाइम ये वीडियो बनाया था, तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि ये जो डेंड्रफ किट है ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि वो ऑफलाइन भी नहीं मिल रहा था और ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था। तो इसके चलते मैंने काफ़ी कोशिश की कि लोगों को मैं बताऊं कि इसके अलावा भी आप दूसरा कुछ, जैसे दूसरा ट्रीटमेंट ले सकते हो, बट ये कि आपका ब्रांड चेंज हो जाएगा। पहले मैं लॉरियल का यूज़ कर रही थी, तो अभी मैं इस बार पहली बार शिफ्ट होने जा रही हूँ इस प्रोडक्ट के ऊपर, बायोलेज। ये एंटी डेंड्रफ किट ही है, और ये लॉरियल जो था, लॉरियल एंटी डेंड्रफ किट था, उसमें कम से कम 16 किट थे, जो कि आपका 2000 के आसपास पड़ जा रहा था। इसमें टोटल 6 किट है, देख रहे हो, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। ये अप्रॉक्सीमेटली 775 का पड़ रहा था, 775 का। अगर आप किसी भी शॉप में लोगे तो आपको डिस्काउंट में 750 से 700 के बीच में मिल जाएगा, और ये आपको अमेज़ोन, नायका, फ्लिपकार्ट कहीं पर भी इजीली मिल जाएगा। 4 to 5 days का वेट किया था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मेरे हेयर पे भी काफ़ी सारा डेंड्रफ आया है, स्पेशली विंटर्स में तो कुछ ज़्यादा ही आता है। तो अभी आप देख पा रहे होंगे, एकदम अगर मैं ऐसे से करूँगी तो पूरा बर्फ़ की तरह गिर रहा है। ऐसा है कि आपको कहीं कुल्लू मनाली जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर ही घर बैठे बैठे आपको स्नोफॉल मिल जाएगी, इतनी ज़्यादा बर्फ़ की तरह गिर रहा है। तो आज मैं आपको ये यूज़ करके दिखाऊंगी ये बालों पे कैसे यूज़ करना है और इसका रिज़ल्ट कैसे मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मेरा लॉरियल का एंटी डेंड्रफ किट था ना, उसके मुकाबले में ये काफ़ी बड़ा है, देखो ये एक हाथ जितना पूरा बड़ा है। तो इसे कैसे यूज़ करते हैं, ये भी एक ट्यूब की तरह ही है, ये जस्ट ऐसे खोलो, ओके, इसमें ऑलरेडी 6 है। तो क्या करना है आपको, इसे अपने सीधा स्केल्प पे लगाना है कुछ इस तरीके से, ये रहा, और इसे ऐसे करके लगाना है। अगर आप स्केल्प नहीं भी निकालोगे ना तो भी चलेगा, देख रहे हो ये कितना ज़्यादा झाग निकालेगा। अगर आप हेड वॉश करके इसे यूज़ करोगे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर आप हेड वॉश किए बिना यूज़ करना चाहते हो तो फिर आप स्प्रे बॉटल रखना, एक ऐसे से करने के लिए। पहले आपको इसको जस्ट स्केल्प में अप्लाई कर लेना अच्छे से, जस्ट ऐसे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपने स्कैल्प में अच्छे से लगा पा रही हूँ। ओके, इसमें ग्रैन्यूल्स भी एक्चुअली दिख रहा है आपको, ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें ग्रैन्यूल्स भी है ऐसा कुछ थिक कंसिस्टेंसी में, चलो कोई बात नहीं। इसमें अगर आप मांग नहीं भी निकालोगे, अगर आप घर पे अकेले हो और आपके अपने बालों पे लगाना कोई है नहीं, तो आप इजीली भी लगा सकते हो, बस आपको बालों में ऑयल नहीं लगाना। अगर आप ऑयल लगाओगे तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल हो जाएगा इसको।
ये जो सैशे है ना, ये 1 पर्सन के लिए सफिशिएंट होता है पूरे बालों में लगाने के लिए। इसमें ग्रेन्यूल्स है तो स्केल्प की अच्छे से, थोड़ा सा तीखा लग रहा है मेरे को, चुभ रहा है ये, बाकी तो ठीक ही लग रहा है। अभी मैं इसके बाद थोड़ा सा बॉटल से थोड़ा स्प्रे करूँगी ना, उसके बाद मैं इसको ऐसे ऐसे करके क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये मैंने ऑफलाइन लिया है जाके। अगर मुझे ऑनलाइन दिखेगा तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से इजीली ले सकते हो। पर उससे पहले मुझे इसको टेस्ट करके देखना है क्या ये आपके लायक है कि नहीं है, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है। जब बालों में डेंड्रफ हो जाता है ना, तो फिर सर पे बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है। ना मेरे बाल अच्छे से गीले हो गए, देखो मेरे बाल गीले हो गए ना अच्छे से। इसमें वो भी है ग्रेन्यूल्स है जो मेरे बालों को और अच्छे से क्लीन करेगा। बहुत ज़्यादा है ये, बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतना नहीं मिलता है। अभी ये ख़त्म हो रहा है ना, तो इसको आप ऐसे करके फोल्ड करो ताकि सारा प्रोडक्ट नीचे आ जाए, ऐसे करके। अभी प्रोडक्ट आना स्टार्ट हो गया। ओह मेरा हाथ थक गया। बस अभी थोड़ा सा और रह गया, ख़त्म ही कर देते इसको एक बार में। अब जो मैं प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी वो मेरा फेवरेट है। इस मसाजर का ये ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, देखो कितना सॉफ्ट है, देखो कितना सॉफ्ट है। इसे ना मसाज करने में बड़ा मज़ा आता है, सारी खुजली ख़त्म हो जाती है। अच्छे से स्केल्प में मसाज की तरह करेंगे हम। उसके बाद हेड वॉश करके चले जाए। अंजलि वो ऑन कर दे, स्विच ऑन कर दे। अभी मैं 10 मिनट छोड़ूंगी, उसके बाद हेड वॉश करके आपको आके दिखाऊं। तो गाइस अभी मैंने अपने हेड को वॉश कर लिया है एंड आप देख सकते हो, मैं दिखाती हूँ आपको, ये मैंने मांग निकाली एंड देखो कहीं पर भी डैंड्रफ नहीं, पूरा डैंड्रफ
स्कैल्प से ही निकल गया है। इसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप 7 डेज़ में ये किट यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको कम डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप 15 डेज़ में एक बार कर सकते हो। मेरा पूरा स्किन क्लीन हो गया, पर जब मैं इस किट को यूज़ करने के बाद हेड वॉश करी थी तो उसमें बिल्कुल भी झाग नहीं निकल रहा था, तो उसके लिए मैंने शैम्पू यूज़ किया जो आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हो। मैंने आयुर्वेदिक खादी का एक शैम्पू है, मैं उसको यूज़ करती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरे थोड़े हेयर फॉल कम होते हैं। तो ये रहा मेरा आज का रिज़ल्ट, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। अभी ऐसे ऐसे करने से भी कुछ नहीं गिर रहा है, पूरा पूरा मेरा स्कैल्प क्लीन हो गया। आई एम हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट, सो बिग थम्स अप। आप इसे यूज़ कर सकते हो बेझिझक, घर पे बैठ के अपने बालों का ट्रीटमेंट कर सकते हो। उसके लिए आपको किसी सैलून जाने की ज़रूरत नहीं और आपका ढेर सारा पैसा बचेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे देखना है। तब तक के लिए बाय।